हैं क्रिकेट भी, वहाँ के क्रिकेट भी खेलेंगे, ट्रेड भी करेंगे, और जाहिरी बात है जब हम इंडिया से के साथ ट्रेड करते हैं तो बहुत अच्छा हमें जो है खासा मुनाफा मिल जाता है। और हम जो है ये जो रिवेलरी है कि आप यहाँ पर क्रिकेट नहीं खेलेंगे, ये तमाम चीज़ें जो है हम ख़त्म करेंगे। वो पाकिस्तान को कुछ समझते नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक तो हमारा शुरू से सिक्योरिटी थ्रेट, और ये हमारी जो जनरेशन है ना, अभी हम ये पॉलिटिक्स है सीधी। Hello viewers, Assalamu alaikum Pakistan. This is your host Amna Adil and you are watching my YouTube channel. आज हम लोग बात करने वाले हैं BCCI के एक ऑफिशियल की तरफ से एक बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट सामने आई है। उनकी तरफ से कहा गया, हालांकि अगर पिछले हम लोग कुछ चीज़ों के बारे में बात करें तो उनकी तरफ से ये कहा जा रहा था कि शायद एशिया कप जो है वो पाकिस्तान में नहीं होगा, और पाकिस्तान की तरफ से ये स्टेटमेंट आई थी कि अगर पाकिस्तान में एशिया कप नहीं होगा तो पाकिस्तान एशिया कप को बायकॉट करेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो सामने आई थी। तो उसके बाद इस चीज़ को देखते हुए एक BCCI के ऑफिशियल की तरफ से एक स्टेटमेंट सामने आई है, जिसके मुताबिक उनका कहना यह है कि पाकिस्तान इज़ नॉट इन अ पोजीशन कि वो एशिया कप को बायकॉट करें। चलते हैं आवाम की तरफ, जानते हैं वो क्या सोचते हैं, क्या ख्याल करते हैं, उनका क्या ओपिनियन है हमारे साथ। अब BCCI की तरफ से ये स्टेटमेंट सामने आती है कि पाकिस्तान इस पोजीशन में ही नहीं है कि वो एशिया कप को बायकॉट कर सके, तो फिर ये स्टेटमेंट्स वो लोग क्यों देते हैं? वो कहते हैं जी हमारे एक सिक्योरिटी इश्यूज हैं, वो कहते हैं कि हम लोग जी पाकिस्तान नहीं आ सकते, वो मतलब लाइक इस तरह की बातें आखिर फिर वो क्यों करते हैं? तो मैं एक ये इस बात ये बहुत खूबसूरत बात आपने कही, मैं कहूँगा कि इस घर को आग लग गई घर की चराग से, इस घर को आग लग गई घर की चराग से। हमारा अपना सिस्टम ठीक नहीं है, हम खुद ठीक नहीं है, हमारा इकॉनमी ठीक नहीं है, हमारा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मुल्क में अंदर हो रहा है, तो उन चीज़ों के लेके वो इसलिए कह रहा है कि अंदर जो है सिक्योरिटी नहीं है, अंदर जो है हमें जो है अपने आप को सिक्योर हम लोग नहीं कंसिडर कर सकते। तो इन वो चीज़ें हैं जो हम अपने खुद ही हम जिम्मेदार हैं इन चीज़ों की, तो इधर उधर की ना बात कर। बस ठीक है, लिटिल बिट कह सकते हैं कि पॉजिटिव पॉइंट भी था, और पॉजिटिव पॉइंट आपको लगा? पॉजिटिव ये लगा कि बायकॉट होना भी चाहिए, नहीं भी होना चाहिए, लेकिन हमारी जो जनरेशन है ना, अभी हम ये पॉलिटिक्स है सीधी सी। लेकिन BCCI की तरफ से तो ये कहा गया कि पाकिस्तान पोजीशन में ही नहीं है कि वो बायकॉट कर सके, पाकिस्तान की इतनी अभी पोजीशन नहीं है। वो इस वजह से है कि वो पाकिस्तान को कुछ समझते नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक तो हमारा शुरू से सिक्योरिटी थ्रेट, और ये इसी वजह से वो पाकिस्तान की डीवैल्यू करके ये चीज़ कह देते हैं मीडिया पे आके, लेकिन ऐसा है नहीं। यहाँ पे अब न्यूजीलैंड आ गई है, सारे आ गए हैं, इंग्लैंड आ गई है, होम टेस्ट सीरीज खेल के एक सेकेंड टीम ही लेके आए, लेकिन पाकिस्तान में क्रिकेट बहाल हो गई है, तो अब उनको ये कहना बनता नहीं। परवेनीवर वी टॉक्ड अबाउट द होल सिनेरियो ऑफ दिस टॉपिक, तो हमें जाना पड़ता है पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन। तो पाकिस्तान और इंडिया की रिलेशन तो हम देखते आ रहे हैं कि सिंस 1947 से लेके आज तक जो है उन दोनों में कोई बेहतरी हमें नज़र नहीं आ रही। वो दोनों अब एक दूसरे को ऐसे समझते हैं, पता नहीं एक स्ट्रांग राइवलरी जो है इन दोनों की मुल्क के दरमियान। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बना, तो नरेंद्र मोदी के साथ उन्होंने बात की इस सिनारियो पर कि हम पर्दर जो है इस चीज़ को जो है हम रेबेलरी जो है उनको ख़त्म करना चाहते हैं, इन चीज़ों की जो है हमें अभी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अब जो है दुनिया जो है वो कोल्ड वार लड़ रही है, चाइना और अमेरिका के दरमियान कोल्ड वार है, इकॉनमी के लिहाज से जो है अब जंग है, अब इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं रही कि मैं कोई आप पर फायरिंग करूँ आगे से आप मुझे, वो चीज़ दैट्स नॉट ऑप्शन। अब करंटली जो है पाकिस्तान को ज़रूरत है इकॉनमी के लिहाज से। तो इमरान खान ने कहा कि नरेंद्र मोदी से कि अब हम इन चीज़ को जो है ख़त्म करना चाहते हैं, हम जो है एक दूसरे से ट्रेड करेंगे, ट्रेड के लिहाज से हम दोनों की ममालिक के दरमियान जो है इकॉनमी में भी बेहतरी आ जाएगी, और हम जो है ये जो रिवेलरी है कि आप यहाँ पर क्रिकेट नहीं खेलेंगे, ये तमाम चीज़ें जो है हम ख़त्म करेंगे। तो नरेंद्र मोदी जो है इस बात पर राज़ी भी हुआ था, लेकिन नरेंद्र मोदी फिर कह रहा था कि मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मैं इमरान खान से बात करूं या मुस्तकबिल में किस से बात करूं। कि मैं नरेंद्र मोदी मान भी रहा था कि चलो बात ये है कि हम ख़त्म करते हैं इस इशू को, और चलो ठीक है हम जो है क्रिकेट भी वहाँ के क्रिकेट भी खेलेंगे, ट्रेड भी करेंगे, और जाहिरी बात है जब हम इंडिया से के साथ ट्रेड करते हैं तो बहुत अच्छा हमें जो है खासा मुनाफा मिल जाता है, क्योंकि हम दूसरे ममालिक में जाते हैं जो हमारी फड़ोसी भी नहीं है, वहाँ हम ट्रेड करते हैं तो उसका जो है बेनिफिट हमें ज़्यादा नहीं मिलता, इंडिया के साथ करेंगे तो जाहिरी बात है बेनिफिट तो ज़्यादा मिल ही जाएगा। तो नरेंद्र मोदी इस बात पर मान भी गया था, उन्होंने कहा चलो ठीक है हम कर लेते हैं इस चीज़ की बात। आप क्या कहना चाहेंगे कि BCCI की तरफ से क्यों आखिर इतना हार्श बिहेवियर रखा जाता है पाकिस्तान को लेकर, क्यों जो है हम लोग पॉलिटिक्स के अंदर ऐड करते हैं?
ये वही बात आ जाए कि हमारा एक तो बोर्ड का एक इशू है कि बोर्ड में जब तक न्यूट्रल बंदे और फेस करें इमरान खान जैसे बंदे नहीं आएंगे तब तक हम ग्रो नहीं कर सकते। हर जगह पे, हर इंस्टीट्यूट में, फाउंडेशन में हमें एक इमरान खान चाहिए जो कोई ना देखे कि हमारा मतलब दूसरा बंदा क्या कह रहा है, किसी का डर ना हो, वो मुंह पे फेस टू फेस बात करे कि ये मेरा राइट है, ये हमें चाहिए, ये हमारे राइट्स हैं तो हमें ये चाहिए। बस ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ। जी मैं इस लोगों से की बात जाना, उनका अपने रब तक शेयर किया। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप नादिल को इजाज़त, देखते रहे हमारे यूट्यूब चैनल। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।